रवीना अपनी ही सास अनीता को क्यों बदनाम करना चाहती है? आखिर क्या दुश्मनी है? एक तो माँ बाप के बिना परमिशन के शादी किया, कोर्ट मैरिज करी, उसके बाद इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स अपने सास के लिए रखी, सोशल मीडिया पे ना होने के बावजूद भी सोशल मीडिया चलाने लगी। वेलकम बैक टू माई चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बसंती ने अपने सास के लिए कुछ भी नहीं करा था वगैरह वगैरह, हमें ब्लॉग्स वगैरह में कहीं नहीं दिखा। तो जितने भी हेटर्स हैं और नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, उन सब से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं अनीता जी को पिछले 4 सालों से देख रही हूँ और उनके ब्लॉग्स को भी। वहां पे मैंने एक एक चीज देखी है कि किस तरीके से उनका जेठानी के साथ बॉन्ड था, किस तरीके से सास ससुर को उन्होंने किया है। क्योंकि देखो, ये वही ससुर जी थे जो अनीता जी ने बताया कि घर से अकेले निकली थी, उनको ये सब करने के लिए कोई साथ नहीं दे रहा था। ससुर जी उनका ब्लॉगिंग ये सब यूट्यूब चैनल वगैरह कभी नहीं चाहते थे हो, लेकिन अब उसी से वो ग्रो कर गई तो वो दूसरे को चाह रहे, यानी बसंती को वही चीज करके देते हैं, ला के देते हैं, खरीद के देते हैं। तो ये तो बड़ी बहू के साथ अन्याय हुआ कि उसने सक्सेस पानी चाही, उसमें उनको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन छोटी बहू को ससुर जी ने सपोर्ट किया। रवीना, कुछ लोगों का ये कहना है कि अनीता जी बुरी हैं, अनीता जी ने झूठ बोला वगैरह वगैरह, है ना। रवीना को नहीं रख रही हैं साथ में, चंडीगढ़ ही रहते थे वो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात है कि अगर अनीता जी ने रवीना के लिए नेगेटिव कमेंट्स रखे थे तो अनीता जी से ज्यादा रवीना ने अपने जो भी यूट्यूब चैनल है वहां पे नेगेटिव कमेंट्स रख रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वहां पे देखिए कि सबसे अच्छी रवीना है, बहु तुलसी माला धारण करती है, सास केकड़ा बनाती है, पूजा पाठ नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है वगैरह वगैरह करके इस तरीके के कमेंट्स हैं जो सास के लिए है वो वहां पे रखा गया। अगर रवीना इतनी अच्छी होती, जिस तरीके से रवीना ने आके स्टैंड लिया था पूरे यूट्यूब वीडियो में, माँ बाप अच्छे हैं, मुंह से आप बोल रहे हो माँ बाप अच्छे हैं, अपने पे ब्लेम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन साथ में नेगेटिव कमेंट्स अपनी सास के लिए रख के वो भी आप अपने भड़ास को भी निकाल दे रहे हो, सास के लिए ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स रखे, मुंह से आके बोल दिया, तो इससे तो इंसान को पता चलता है ना इरादे किसके क्या। अगर आप इतने अच्छे होते ना तो अपने सास के खिलाफ एक नेगेटिव कमेंट्स नहीं रखते। और उनके लिए एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और केकड़ा खाने वाले या नॉनवेज खाने वाले बुरे होते हैं, इट्स आवर प्रेफरेंसेस, जो हम प्रेफरेंस करें। जरूरी है कि अगर बहू शाकाहारी है, ठीक है, बहू शाकाहारी है, मानते हैं, इट्स वेरी गुड थिंग कि आप शाकाहारी हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मांसाहारी को आप बेइज्जत करोगे, मांसाहारी होना बेकार बात है। अगर मैं आप लोगों को बहुत पहले लेकर चलूं तो हम सब ने अर्ली ह्यूमंस की स्टोरी पढ़ी थी ना, जहां पे जो हमारे बहुत पहले के इंसान हुआ करते थे, जब ऐसे घर बार वगैरह नहीं होते थे तो वो गाय भैंसों को मार मार के मीट खाते थे, वो भी कच्चा मीट खाते थे। तो तब क्या वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे? अब जब इंसान का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, अच्छा हुआ, तो वो अच्छा होने लगा, कुछ वेजिटेरियन हुए, कुछ नॉन वेजिटेरियन हुए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। और रही बात पूजा पाठ वगैरह की, पूजा पाठ आप कर रहे हो, अच्छी बात है, और हो सकता है अनीता जी का खाना का चैनल है बेसिकली, ठीक है, तो वो अपने ब्लॉग्स वगैरह में भी और जितने भी उनके चैनल्स हैं फूड वगैरह के, वो ज्यादातर फूड वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग अपने पूजा पाठ को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं। अब वो लोग भी तो हिंदू ही है ना, ऐसा तो है नहीं भाई केकड़ा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो पूजा पाठ नहीं करते होंगे। पूजा पाठ तो करते ही होंगे, हो सकता है सोशल मीडिया पे ना दिखता हो या उसके ब्लॉग्स वो ना लेना पसंद करते हो, क्योंकि हर कोई अपना पूजा पाठ दिखाना पसंद नहीं करता। और रवीना जो है वो पूजा पाठ करती हैं और वेजिटेरियन बना दिया गया है ललित को, ललित के जो कान्हा जी को पूजा पाठ वगैरह दिखाना, देखो पूजा पाठ दिखाना, ठीक है, जो पूजा पाठ करता है वो दिखाता नहीं है, पूजा पाठ दिखाना और पूजा पाठ करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अगर मेरी जो समझदार ऑडियंस है मेरे इशारों को समझ चुकी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है,
जो माँ अपने बच्चे का शादी करने का हक रखती है और उस माँ से शादी करने का हक छिन गया हो, सडनली बेटा जाके शादी कर आया हो अपने पसंद से, अभी वो माँ उस दर्द से गुजर ही रही होती है तब तक सोशल मीडिया पे बहू हल्ला कर देती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अनीता जी का जो परिवार है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे था, सोशल मीडिया पे रवीना तो नहीं थी, लेकिन रवीना को सोशल मीडिया पे आने की चुल क्यों मची थी? वो सोशल मीडिया पे नहीं आती तो लोगों को तो पता भी नहीं होता, है ना? तो सोशल मीडिया पे आने की चुल क्यों थी? अब आप इससे समझिए कि जो रवीना के रेगुलर ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया पे आना है, कहीं ना कहीं उनको बहुत पहले से पता था कि इन सब से, ये चीजों से मुझे फायदा है, इनका फेम है, ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, अगर मैं चलाऊंगी तो मैं भी फेमस हो जाऊंगी, मेरे भी व्यूज आएंगे, वरना रवीना जैसे लोगों के व्यूज आने में मुझे लगता है सालों साल लग जाएंगे। ये व्यूज वगैरह भी इसीलिए आ रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्सीज हो रहे हैं, इसी कॉन्ट्रोवर्सीज में गंगा में हाथ धो रही है रवीना और इसी बहाने ब्लॉग्स डाल के दुनिया को दिखाना चाहती है, वरना वो तो सोशल मीडिया पे थी ही नहीं, उनको तो क्या जरूरत थी दुनिया को बताने की, ना वो बताती, ना किसी को इशारे करती, ना सोशल मीडिया पे आके वीडियोस डालती, ना दुनिया जानता, लेकिन उनको दुनिया में गाना था क्योंकि उनके अपने बिरादरी के लोग तो जान ही रहे थे सारी चीजें कि शादी वगैरह तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं रवीना के मन में ये चीजें थी कि मुझे सोशल मीडिया पे आना है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे अर्निंग करनी है। और जो एडजस्टमेंट की बात है, रवीना गई थी वगैरह वगैरह, तो क्या रवीना इसलिए छोड़ के चली आई क्योंकि अनीता जी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ललित को वेजिटेरियन बनाने की कोशिश हो रही है? क्या जरूरी है कि ललित अगर रवीना के साथ रहेगा तो उसको वेजिटेरियन बनना ही पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे एक वेज है तो एक नॉन वेज है, दोनों के प्रेफरेंसेस को अप्रिशिएट किए जाते हैं। ऐसा तो कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होता कि आप मेरे साथ रहोगे तो आपको वेजिटेरियन ही बन के रहना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? और बसंती जी ने एक बहुत ज्यादा नेक काम किया है, किसी का चैनल बनाया है और उसको चैनल दे दिया है और सोशल मीडिया पे दिखा भी दिया है, इनडायरेक्टली उन्होंने टॉन्ट किया है किसको, अनीता जी को, कि तुमने मेरे चैनल नहीं दिए, मेरे चैनल के साथ ऐसा किया वैसा किया, देखो मैं दूसरे का चैनल बना के उसको उसका चैनल भी दे दिया। कि जो पट्टीदार होते हैं ना, अनीता जी और बसंती में क्या अंदर लड़ाइयां हैं गॉड नोज, क्योंकि देखो जब अंदर से लड़ाई होती है तभी मन में खटास आती है और तभी ये चीजें अलग अलग होती है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप लोग अनीता जी के ब्लॉग्स देखो तो ऐसे कई इंसान है जिसकी मदद अनीता जी एंड फैमिली ने करी है, चाहे ब्लॉगिंग में हो या किसी भी फील्ड को लेकर हो, उनकी फैमिली ने दूसरों की हेल्प करी है, पर ऐसा क्या रीजन रहा है कि उन्होंने बसंती के साथ ही ये सब चीजें करी है? अंदर बसंती और अनीता जी के बीच में ऐसा क्या हुआ है? और आज अनीता जी घूम रही हैं तो कुछ लोगों को इस पे भी दिक्कत है कि घूम रही हो, वहां से नहीं लिया, अभी तो लाला जी की तबीयत खराब थी, आपके कमर में दर्द था। तो एक बात बताइए मुझे, जो इंसान मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, ना सास का सपोर्ट ना ससुर का सपोर्ट, अपना मेहनत था बल्कि लोग उनके खिलाफ थे, आज जब उसके सपने पूरे हो रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जो अनीता जी की एक छोटे से गांव से दुनिया अभी देखना शुरू की है तो वहां उस ग्रोथ को देख के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली उनके देवरानी को, यही मैं बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें वो दिखा रही है तो वो दूसरे की हेल्प कर दी है। आज का जमाना ऐसा है कि अपनों का हेल्प करोगे अपनों से जाओगे, दूसरे का हेल्प करोगे वो आपका एहसान मानता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें मुझे लगता है अनीता जी की फैमिली में हो रही है ना? तो कमर दर्द की बात हम बताते हैं कि अनीता जी को दर्द था। अब एक बात बताइए, क्या ये कमर दर्द की प्रॉब्लम हमेशा होती है? आज कमर दर्द हुई, दवा खाया, दो दिन में ठीक हो गया। अब भाई टाइम यही है, उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चों ने जिद करा घूमना था, माँ बाप को ले गए, अनीता जी गई और घूम रही है। तो बीमारियां परमानेंट नहीं होती अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई मेजर बीमारी ना हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।